नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पंजाब पुलिस भगोड़े खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आज पांचवां दिन है और वो अब भी फरार है। उसके 150 से ज्यादा साथी पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच अमृतपाल तो नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी तस्वीरें मिलती जा रही हैं जो ये बता रही हैं कि वो किस तरीके से भागा भागा फिरा हुआ है, और इसीलिए हमने इसको नाम दिया है दौड़ा दौड़ा सा भागा भागा सा। एक एक करके वो देखिए कहां से कहां जा रहा। अमृतपाल सबसे पहले मर्सिडीज में था, जब पुलिस ने घेरा तो उसने बीच में गाड़ी बदल ली और मर्सिडीज एसयूवी से निकल करके वो मारुति की ब्रेज़ा कार में सवार हो गए। मर्सिडीज से मारुति पर आ गए। इसके बाद उसने एक गुरुद्वारे में जाकर अपना चोला उतारा, पगड़ी बदली और पैंट शर्ट में आ गया। फिर वो चार साथियों के साथ एक मोटरसाइकिल पर भागा। मर्सिडीज, मारुति, मोटरसाइकिल, देख रहे हैं धीरे धीरे भागने का चक्रव्यूह कैसे चार पहिए से दो पहिए पर आ गए। पंजाब पुलिस ने वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली, वो ब्रेज़ा कार भी बरामद कर ली। ये जो प्लेटिना बाइक थी ये और मारुति की ब्रेज़ा कार, ये दोनों शाहकोट थाने में अब खड़ी हुई। इसके बाद एक और तस्वीर आई है जिसमें अमृतपाल एक जुगाड़ गाड़ी में बैठे हुए दिख रहे हैं। जुगाड़ गाड़ी क्या होती है, पंजाब वगैरह में बहुत चलती है, कि आगे से तो वो बाइक है लेकिन वो बाइक का पिछला हिस्सा हटा करके उसमें डाला रख दिया है ताकि उसमें सामान लाद सकें, सवारी लाद सकें। तो कहां मर्सिडीज एसयूवी, उसके बाद मारुति ब्रेज़ा, प्लेटिना बाइक और अब जुगाड़ का रिक्शा। इस बीच अमृतपाल को भागने में मदद करने वाले उसके चार सहयोगियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। आइए जानते हैं सौरभ शुक्ला से ये पूरा घटनाक्रम। अलगाववादी अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार कोशिश में है, लेकिन अब तक अमृतपाल पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। इसको लेकर सियासत भी हो गई। विपक्ष जो कि पंजाब में कांग्रेस है, उसने भगवंत मान का इस्तीफा मांगा है। तो सुखबीर बादल कह रहे हैं कि जिन लड़कों को अमृतपाल के पकड़ा है पंजाब पुलिस ने, उन्हें वो कानूनी सहायता देंगे। लेकिन एक कड़वी बात है कि अमृतपाल नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक बहुत अच्छी बात भी ये हुई कि अमृतपाल एक्सपोज हो गया। जो अमृतपाल यहाँ पर सिखी की बात करता था पंजाब में, भिंडरांवालों को आदर्श मानता था, भिंडरांवाले की तरह कपड़े पहनना, भिंडरांवाले की तरह चलना, भिंडरांवाले की तरह बातें करना, लेकिन जब पंजाब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो भेष बदल कर, गाड़ियाँ बदल कर भागता नजर आया। जाहिर सी बात है कि हाँ, हिंसा तो पंजाब में नहीं हुई, पत्थर तो नहीं फेंका, लेकिन उसकी मददगार लोग भी पंजाब पुलिस को लगातार मिल रहे हैं। जब वो मर्सिडीज कार से निकला तो उसे एक ब्रेज़ा कार मिल गई। ब्रेज़ा कार उसके साथी पप्पन प्रीत की, जो कि उसको बाद में मोटरसाइकिल प्लेटिना में बैठा करके आगे लेके गया। पंजाब पुलिस ने मर्सिडीज भी बरामद की, ब्रेज़ा भी बरामद की, जिसमें अमृतपाल छुप करके पीछे की सीट में बैठा हुआ था। पगड़ी, नीली पगड़ी छोड़ करके गुलाबी पगड़ी बांध ली, अपना धार्मिक चोला जो ओढ़ता था उसे उतार करके पैंट शर्ट पे आ गया, चश्मा लगाने की बात करने लग गया। जो कहता था कि पश्चिमी सभ्यता के पर ध्यान ना दे, फैशन ना करें, वो चश्मा लगा के बचता हुआ नजर आया। पंजाब पुलिस का कहना है कि उसने और भेष बदले, प्लेटिना मोटरसाइकिल भी पंजाब पुलिस ने जलंधर के एक ग्रामीण इलाके से बरामद की है। उसको रिक्शे में पंजाब पुलिस लेकर के आ रही है। रिक्शे में क्यों लेकर के आ रही, क्योंकि उसका पेट्रोल खत्म हो गया था, तो उसको वहीं जहाँ पेट्रोल खत्म हुआ उसको वहीं छोड़ दिया, क्योंकि पता था अगर पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप गए तो वहाँ पर CCTV होगा, और पेट्रोल पंप तो गांव की सड़कों में होते नहीं, वो तो हाईवे के नज़दीक होते हैं, तो पकड़ा जाएगा, हाईवे जाना नहीं चाहता था। तो वो अमृतपाल जो अपने आप को सिख धर्म का पंजाब में रहनुमा बता रहा था, कैसे गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल रहा है, गाड़ियाँ बदल रहा है, पगड़ियाँ बदल रहा है, अपनी लंबी दाढ़ी छोटी कर रहा है और भागता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस का कहना है कि अमृतपाल ने लगभग 8 से 9 लोकेशंस बदली हैं। वो फ़ोन अपना इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर रहा है। क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है। एक अपराधी होता है जब सोचता है कि वो कोई वारदात अंजाम देगा तो पुलिस से कैसे बचेगा, तो वही उसी तरीके से वो बचता हुआ घूम रहा है। जाहिर सी बात है उसकी मदद करने वाले हैं, तभी उसको ब्रेज़ा कार मिल गई। ब्रेज़ा कार मिली तो गुरुद्वारे में पहुँचा, गुरुद्वारे में भी
मदद की गई उसकी, लेकिन गुरुद्वारे के ग्रंथी का कहना है उनको पता नहीं था अमृतपाल के पीछे पुलिस पड़ी, उसने खाना खाया, कपड़े बदले। अब गुरुद्वारे के ग्रंथी की शिकायत पर अमृतपाल से पर जबरदस्ती गुरुद्वारे में घुसने का मुकदमा, ट्रेसपासिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन पंजाब पुलिस नहीं पकड़ पाई, सच है, नाकामी है, लेकिन अमृतपाल का जो एक हवा बन गया था पंजाब पुलिस ने, उसकी हवा जरूर निकाल दी है। अपने सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो सोचिए, मर्सिडीज, मारुति मोटरसाइकिल और जुगाड़ का रिक्शा, यह है अमृतपाल सिंह की भागने की दास्तान। हालांकि अभी तक मिला नहीं है, तलाश जारी। अब अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई की प्रतिक्रिया जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ा रही है। और क्यों बढ़ गया है ये तनाव, ये जान लेते हैं। दरअसल आज अचानक देखा गया कि दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और चाणक्यपुरी में ब्रिटिश उच्चायुक्त के निवास के बाहर सुरक्षा के लिए लगाए गए सीमेंट के बैरिकेड हटा दिए गए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ब्रिटिश हाई कमीशन और चाणक्यपुरी में ब्रिटिश उच्चायुक्त के घर के बाहर करीब 12 सीमेंट के बैरिकेड हटाए गए। सूत्रों के मुताबिक ऐसा दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों पर किया गया, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि सरकार की ओर से अभी तक नहीं की गई। माना जा रहा है कि ये लंदन में भारतीय उच्चायोग में हुई घटना पर भारत का जवाब है, जिससे एक तरह से ब्रिटेन को यह संकेत दिया गया है कि अगर वो हमारे उच्चायोग की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं होगा तो ऐसा ठीक नहीं होगा। इस बीच ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने यह कहा कि वो सुरक्षा के मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिशों के बीच बीते रविवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग में कुछ लोग खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए घुस गए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े, उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ हाथापाई की और उच्चायोग में लगा तिरंगा हटाकर खालिस्तान का झंडा वहां लगा दिया। इस पर भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सामने काफी तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग की सबसे वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी हाई कमिश्नर क्रिस्टीना स्कॉट को बुलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। भारत सरकार ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था के पूरे तरह गायब होने पर जवाब मांगा। सुरक्षा ना होने की वजह से ही हंगामा करने वाले अंदर घुस आए थे। भारत ने कहा कि ये वियना सम्मेलन का पूरी तरीके से उल्लंघन है, यानी कि वियना कन्वेंशन। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर बैरिकेड्स हटाना इसी की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। मैं इस वक्त नीति मार्ग पर खड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन है। लंदन में जो कुछ हुआ, जो भारतीय कमीशन हाई कमीशन के बाहर हुआ, उसके चलते बोला जा रहा है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है, उसे जो स्पेशल सिक्योरिटी है उसका कवर जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं आई है। बहरहाल ये जो इलाका है ये हाईली सेंसिटिव जोन्स के तहत आता है, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पर डिप्लोमेटिक इन्क्लेव है। हर एक राज्य की, हर एक देश की यहाँ पर जो है वो एम्बेसी है। यहाँ पर ये नीति मार्ग में फिलहाल जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रोज़ जो काम होता है उस तरह से वहाँ पर हो रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं वीज़ा के लिए। बहरहाल ये इस इलाके में जो चप्पे चप्पे पर आपको जो है कैमराज भी दिखाई पड़ेंगे। हर एक जो एक पोल है, जितने भी इसके एंट्रीज हैं उसके ऊपर अगर आप कैमराज देखें, अगर जितने भी वहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो वहाँ पे आपको कैमराज जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। इसके जो दूसरी तरफ है अशोका होटल है, तो यानी ये पूरा का पूरा इलाका एक जो है वो सेंसिटिव जोन है। अगर यहाँ से सिक्योरिटी या बैरिकेड जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो हटा ली भी गई, तो लेकिन जो एक इंटेलिजेंस है, जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उसे जेनरेट करने के लिए इस इलाके में फिलहाल जो है हर एक जगह कैमरा जो है वो लगाए गए हैं। बहरहाल ये सूत्रों से बोला जा रहा है कि हो सकता है कि लंदन में जो कुछ हुआ उसके चलते भारत भी जो यूके के डिप्लोमेट्स हैं उनकी कुछ हद तक जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो करें। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
आइए अब बात करते हैं पार्थ सारथी जी से, पूर्व राजनयिक हैं। पार्थ सारथी जी, दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर बैरिकेड्स हटाने की कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी सहनशीलता पर वो दबाव लगा रहे थे। एक तरफ से वो हमारे लोगों को जो डिप्लोमेटिक मिशन्स हैं वहाँ, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। दूसरी बात ये कि जो सरकार अभी है, प्रधानमंत्री तो बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन कई मंत्री हैं, कुछ उनमें एक महिला है भारतीय मूल के, जो भारत के साथ उतनी मित्रता या दोस्ती नहीं दिखानी चाहते। तो दूसरी, और अब क्या हो रहा है कि लापरवाही कर रहे हैं हमारे जो वहाँ उच्चायुक्त है और जो डिप्टी हाई कमिश्नर्स के ऑफिसर्स जो हैं उनके 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 खिलाफ, और वो जानते हैं कि ब्रिटेन में ये तथाकथित जो इनका सिख उग्रवादियों का समर्थक हैं, उनका उनके साथ इनकी निकट संबंध है, कंजर्वेटिव पार्टी के नहीं बट लेबर पार्टी की। तो अगर वो हमारे जो वहाँ डिप्लोमेट्स हैं उनको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो हमें क्यों इतना पैसा खर्च करना उनके डिप्लोमेट्स को यहाँ उनके सहयोग और उनकी सुरक्षा के लिए? तो स्वाभाविक है कि हमने कह दिया हम उठाते बस इसको निकाल रहे हैं जैसे कि आपने निकाल रखा है, और ये अब आपकी जिम्मेवारी है। और वो इसका मतलब ये उन्हें समझना चाहिए कि अगर किसी ने इस माहौल में हमारे एक ही कूटनीतिक पर कोई हमला हुआ या कोई लापरवाही दिखाई गई, तो उनको तैयार होना चाहिए कि जवाबी कार्रवाई जरूर होगा। पार्थ सारथी जी, डिप्लोमेसी की दुनिया में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रहती हैं, क्या इनका असर होता है, और ऐसा करने के पीछे क्या मंशा, क्या कोशिश रहती है, जिसको रेसिप्रोसिटी कहा जाता है कि आपने किया तो हमने भी ये कर दिया? कोशिश देखिए, जब मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तानी जानते थे कि अगर मेरे किसी भी सहयोगी पर उन्होंने हाथ लगाया तो जवाबी कार्रवाई आएगा दिल्ली से, और पाकिस्तानी इस जानकारी की वजह हमारी सुरक्षा के लिए प्रयास करते थे, और ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई हमारे डिप्लोमेट्स पर कि इस तरह का कोई हमला हो। लेकिन ब्रिटेन क्या समझता है कि वो लापरवाही कर रहे हैं हमारे कूटनीतिकों का और हम चुप रहेंगे? देखिए, अमेरिका ने क्या किया है, बिल्कुल जब सैन फ्रांसिस्को पर हमला हुआ, अमेरिका ने फॉरेन कार्रवाई की, वहां के जो विदेश स्टेट डिपार्टमेंट है उनके एक उच्च अधिकारी ने सैन फ्रांसिस्को के सरकार से बात करके कहा कि आपको पूर्ण रूप से इनकी भारतीय डिप्लोमेट्स की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना है। अगर ब्रिटिश सोचते हैं कि वो लापरवाही कर सकें, तो हाँ, लापरवाही इस तरह से हमारी तरफ से भी हो सकती है। पार्थ सारथी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसे कई जानकार हैं जो कहते हैं कि कुछ बैरिकेड हटा देने से किसी देश को सख्त संदेश नहीं दिया जा सकता है या दबाव नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में चोट वहां मारनी चाहिए जहां दर्द ज्यादा हो, हम देशों की बात करें। जानकार कहते हैं कि इस मामले में ब्रिटेन के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए जैसे ब्रिटेन के साथ भारत की एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी कि एक व्यापार करने के लिए एक अग्रीमेंट, उस पर अभी बात चल रही है। जानकार कहते हैं कि भारत को यहां अपनी शर्तों को और सख्त कर देना चाहिए और यह होगी असली चोट, ना कि कुछ बैरिकेड हटा दो। ये जो एक्शन लिया गया है,
बैरिकेड्स हटाए गए हैं ब्रिटिश हाई कमीशन के आगे से, उससे कुछ होने वाला नहीं है। करीब 10 साल पहले अमेरिकन एम्बेसी के आगे से भी बैरिकेड्स हटाए गए थे और कुछ समय बाद वो बैरिकेड्स वापस आ गए थे। तो ये जो सिंबॉलिक एक्शन लिया गया है ब्रिटिश हाई कमीशन के खिलाफ, उस एक्शन से यूके कोई सीरियस कदम नहीं लेगा। प्रॉब्लम यह है कि यूके में जो कश्मीरी और खालिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, वो एक तरह से उनका बेस बन गया है यूके में। तो इस सिचुएशन में भारत को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो, FTA, और मोदी सरकार ने इन नेगोशिएशंस को फास्ट ट्रैक पर रखा हुआ है। अब इन नेगोशिएशंस को रोकना चाहिए, ये तो मिनिमम स्टेप है। FTA नेगोशिएशंस को सस्पेंड करना बहुत ही जरूरी है। इससे एक साफ मैसेज मिलेगा लंदन को कि बिना सीरियस एक्शन मिलिटेंट्स के खिलाफ भारत और यूके के रिश्ते बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकते। जी, ब्रह्मचेलानी जी बता रहे थे कि बैरिकेड हटाने के आगे भी सोची, सिर्फ बैरिकेड हटा देने से नहीं। दरअसल देशों के बीच ऐसी घटनाएं पहले भी अक्सर सामने आती रही। आपको याद होगा दिसंबर 2013 में दिल्ली की ही बात, अमेरिका के दूतावास में ऐसा ही कुछ देखने में आया था। तब न्यूयॉर्क में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े गिरफ्तार की गई थी। उन पर अपने घर में काम करने वाले एक भारतीय कर्मचारी के उत्पीड़न और उससे जुड़े वीजा फ्रॉड का आरोप था। देवयानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी और उनकी पूरी तलाशी के विरोध में भारत सरकार ने तब दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर विजिबल सिक्योरिटी, यानी कि वो सुरक्षा जो सामने दिखती है, जैसे कि सीमेंट ब्लॉक्स और बैरिकेड्स, ये सब हटा दिया। मार्च 2014 में अमेरिका ने जब देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका छोड़ने को कहा, तो जवाब में भारत ने भी अमेरिका से कहा कि वो अपने दूतावास में एक राजनयिक को वापस बुला ले। डिप्लोमेसी यानी कि राजनय की दुनिया में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब दो देश एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। ब्रिटेन के साथ ऐसे ही एक खींचतान अक्टूबर 2021 में भी देखने को आई थी। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तब हमारी सरकार ने निर्देश दिए थे कि भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारंटीन में रहना होगा, भले ही उनका कोरोना टीकाकरण पूरा हो चुका। इसे ब्रिटिश सरकार के उस नियम के बदले की कार्रवाई बताया गया, जिसमें कहा गया था कि पूरी तरह टीकाकरण करा चुके भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन पहुंचने पर अनिवार्य रूप से अपने घरों या जिन जगहों पर वो जा रहे हैं वहां क्वारंटीन में रहना होगा। जबकि ब्रिटेन के दूसरे देशों के नागरिकों के लिए ये नियम लागू नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच तो इस तरह की कार्रवाई कई बार देखी जा चुकी है, कई बार काफी हद तक तीखी भी हो चुकी है। अगस्त 2019 में भारत ने जब अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा हटाया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो बदले में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निकाल दिया। जून 2020 में भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के आधे स्टाफ को वापस जाने को कह दिया। तब भारत ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने राजनयिक और कर्मचारी भारत में जासूसी और आतंकवादियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल। तब भारत ने भी पाकिस्तान में अपने हाई कमीशन के आधे स्टाफ को कम कर दिया था। दरअसल इससे 3 हफ्ते पहले भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के दो कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में निकाल दिया। उन पर आरोप था कि वो भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी सूचना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। इसके अलावा 2018 में भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग के राजनयिकों ने ऐसे आरोप लगाए थे कि उन्हें और उनके परिवारों को दूसरे देश में अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। इस्लामाबाद में भारत के तत्कालीन उप उच्चायुक्त JP सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार होती रहती। तो
तो ये तो भारत और पाकिस्तान की बात हो गई। पिछले साल अप्रैल में भारत ने चीन के नागरिकों के टूरिस्ट वीजा को सस्पेंड करने का फैसला भी किया था। दरअसल भारत चीन के साथ लगातार ये मुद्दा उठा रहा था कि कोरोना संकट के दौरान वापस लौटे 22,000 छात्रों को चीन पढ़ाई के लिए वापस बुलाए। चीन की ओर से इस पर टालमटोल हो रही थी और इसका जवाब भारत ने दिया। नवंबर 2012 में भी जब चीन ने अपने पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपनी सीमा में दिखाया, तो जवाब में भारत ने चीन से भारत आने के लिए जारी हुए जो वीजा थे अपने नक्शे की मोहर छापनी शुरू कर दी कि ये हमारा मैप। तो साफ है कि डिप्लोमेसी की दुनिया में, और आपको ये भी याद होगा, स्टेपल्ड वीजा लगने लगा कि चिपकाएंगे नहीं, अलग से वीजा देंगे, ये सारी चीजें हो रही। तो आप ये जान लीजिए कि ये साफ है कि डिप्लोमेसी की दुनिया में ये सब कोई नई बात नहीं। अब आइए आपको ले चलते हैं दूसरी खबर पर। बात करते हैं दिल्ली की, जहां प्रधानमंत्री के विरोध में लगाए गए पोस्टरों के मामले ने तूल पकड़ लिया। इन पोस्टरों में लिखा गया है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। दिल्ली पुलिस ने मोदी विरोधी पोस्टर लगाने के मामले में 36 केस दर्ज किए हैं, यानी कि 36 FIR, और अगर आप टोटल FIR देखें तो 100 पार है ऐसा बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस इसे रूटीन कार्रवाई बता रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। आपने कहा कि ये पोस्टर उसने ही छपवाए और लगवाए, ये बाद में, पहले नहीं बोला। आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि पोस्टरों में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस इतनी कठोर कार्रवाई पर उतारू है। मोदी हटाओ देश बचाओ से लिखी ऐसे पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए जा रहे थे। ये पोस्टर हर रोज देर रात या फिर सुबह तड़के चोरी छिपे लगाए जा रहे थे। पुलिस की जांच के दौरान आईपी स्टेट इलाके में एक वैन पकड़ी जिसमें करीब 2000 ऐसे पोस्टर बरामद हुए। वैन वाले ने पुलिस को बताया कि पोस्टर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय जा रहे हैं। इसके बाद दो प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि आपने ऐसे 50,000 पोस्टर छापने का ऑर्डर दिया था, अब बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब FIR होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। हिम्मत है, नाम डालिए, और कानून अपना काम कर रहा है उसको करने दीजिए, बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने पहले बताया कि पोस्टर आपत्तिजनक हैं। पोस्टरों में कानून के तहत प्रिंटिंग प्रेस का नाम और पता नहीं लिखा है, इसलिए कार्रवाई की। पूरी दिल्ली में अवैध तरीके से अलग अलग तरह के पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 136 केस दर्ज किए हैं, जिसमें 36 केस मोदी विरोधी पोस्टरों को लेकर दर्ज हुए हैं। इस मामले में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2000 मोदी विरोधी पोस्टर हटाए गए हैं, जबकि 2000 जब्त किए गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो शहर को साफ रखने के लिए 2 दिन की मुहिम के तहत की गई है। अब पोस्टर लगाने वाली आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि इसमें क्या आपत्तिजनक है। अब मोदी हटाओ देश बचाओ नारे के साथ गुरुवार को जंतर मंतर पर आंदोलन होगा। हजारों पोस्टर जो है बीजेपी लगाती रहती है, अभी तो FIR नहीं होता, रोजाना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाती रहती है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक डर दिखा रहा है, क्योंकि ये पार्टियों का अधिकार है, लोगों का अधिकार है कि क्या नारा लगाते हैं। तो इस जो कार्रवाई हुई है, जो FIR दर्ज हुई है, 100 FIR बता रहे हैं दर्ज हुई है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पुलिस को ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का एक तरफा कार्रवाई और इस तरह की पलगदमी नहीं करनी चाहिए। नियम सबके लिए है, अगर भाजपा को खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए अगर करनी है तो। इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने पहले कहा कि पोस्टर आपत्तिजनक हैं और पोस्टरों में नीचे प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जैसे ही मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि शहर को साफ रखने के लिए ये एक रूटीन कार्रवाई है। लेकिन अब ये मामला इतना राजनीतिक तूल पकड़ गया है कि इसकी गूंज गुरुवार को जंतर मंतर से सुनाई देगी। नई दिल्ली से
मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के सांसद रमेश भिदुरी हमारे साथ हैं। भिदुरी जी, ये बताइए, इन होर्डिंग और पोस्टरों से इतनी दिक्कत क्या है? कानून में बंगाल एक्ट के तहत प्रावधान है संकेत जी, कानून में प्रावधान है कि कोई आदमी इस प्रकार से हिडन एजेंडा चलाकर किसी को बदनाम करने की कोशिश करेगा। अभी आम आदमी पार्टी ने सनिधि योजना में लोन दिए जा रहे हैं, लोन जहां दिए जा रहे हैं कॉर्पोरेशन के लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि ये आदमी रेडी पट्टी लगाता है, वहां पर फॉर्म रख दिए। मैं आपको फॉर्म का वो दिखाता हूँ, उस फॉर्म पे लिख दिए कि मोदी साहब ने सतेंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया है। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पंपलेट अगर आप देखेंगे ना, ये तुम्हारे स्क्रीन पे पता नहीं दिखाई देगा नहीं देगा, ये इस प्रकार के पंपलेट है आपके स्क्रीन पे। कहो तो मैं इसकी कॉपी आपको भेज देता हूँ निकलवा के जी। ये पंपलेट लगा के इसमें लिखा नहीं है कहीं आम आदमी पार्टी को, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग लोधी कॉलोनी में मेहरचंद मार्केट के कैंप लगा, और गरीब लोग जो 10,000 का लोन ले रहे हैं उनसे नीचे साइन करवा रहे हैं नाम एड्रेस, और ऊपर क्या लिखवा रखा है, ऊपर ही लिख रहे हैं कि मोदी जी ने सतेंद्र जैन को और उनको झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है, स्कूल में अच्छा काम करने वाले। अभी ये भी लिख देता है शराब स्कैम में बंद की है। तो ये बंगाल एक्ट के तहत कोई भी किसी की छवि अपना धूमिल करने का प्रयास कर देगा झूठे आधार पर। जब नाम लिखो ना, आपने नीचे लिखा आम आदमी पार्टी, संजय जी, सौरभ भारद्वाज, लिखो कोई दम है तो, लेकिन चोरी हिडन, ये जो लोगों को झूठ बोलकर सत्ता में आए थे तो उसी झूठ को कब तक कैसे चलाएंगे। तो वो प्रोविजन है बंगाल एक्ट के अंदर, इस प्रकार के पोस्टर लगाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, कोई कंप्लेंट कराएगा एफआईआर दर्ज होगी। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी पर भी तो आरोप लगते हैं कि वो भी आप भी पोस्टर लगाते हैं, जैसे कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा, ये एक बात जिक्र में आई, एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं वो भी केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाते रहते हैं, उनके खिलाफ तो नहीं किया आपने एफआईआर? आपने बग्गा जी का नाम लिया ना, नाम लिख रहा है ना नीचे, बग्गा लिख रहा है ना वो, अगर वो किसी के पे आरोप लगा रहा है तो सामने आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन आप नाम भी नहीं लिखोगे, अननेसेसरी लोगों के लिए पोस्ट उल्टा सीधा करोगे, मोदी जी को हटाओ। अरे भाई प्रेस में तुम रोज बोलते हो, हर जगह बोलते हो किसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुआ था, लेकिन दीवारों पर होर्डिंग टांगो के और उनपे कुछ लिखो, दमे तो लिखो ना नीचे कि आम आदमी पार्टी मोदी जी को हटाना चाहती है, केजरीवाल जी मोदी को हटाना चाहते हैं और मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बोला है, तो राहुल गांधी ने बोला तो राहुल के खिलाफ किसने मुकदमा दर्ज कर दिया। तो इसीलिए अगर बग्गा साहब ने होर्डिंग लगाए, पोस्ट अपना नाम लिखा ना कि भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट है वो, और केजरीवाल साहब ऐसा गलत कर रहे हैं इसके लिए पोस्ट लगा रहे हैं। रमेश भिदुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अब रुक करते हैं आम आदमी पार्टी का, उनका भी वर्जन ले लें भाई। जैस्मिन शाह है नेता। जैस्मिन जी, बीजेपी कहती है कि आपने चुपचाप छुप कर पोस्टर लगाए हैं, खुलकर सामने नहीं आए, खुलकर लगाते तो आप इतने पोस्टर लगाते रहते हैं, एक और सही, चोरी छुपे लगाया, ये दिक्कत है। नहीं तो छुप के पोस्टर लगाए, स्कूल के सामने नहीं आए, मतलब आप 100 एफआईआर कर दोगे, लोगों को अरेस्ट कर दोगे, ये क्या तर्क हुआ? आज हमें एक्सेप्ट करना होगा कि बीजेपी ना केवल पार्टी गुंडागर्दी है, लेकिन मोदी जी केवल और केवल डिक्टेटरशिप में विश्वास रखते हैं। आज वो नहीं सहन कर सकते कि कोई भी उनके खिलाफ एक टिप्पणी भी कर ले तो उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। हमारा क्या था नारा, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसमें भी इनको आपत्ति आ गई। इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी एंजाइटी अगर देश के प्रधानमंत्री को हो जाए तो फिर मतलब ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या रहा? हमने देखा था कि इंदिरा जी के टाइम पे इमरजेंसी के राज में जब ये नारे लगते थे कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, तो उन सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता था। आज हम देश यही सारे दृश्य देख रहा है, मेरे ख्याल से बड़ी दुख की बात है। लोग को समझना होगा कि ये सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है, आप पूरी तरह से तानाशाही वाला व्यवहार कर रहे हो और देश की जनता इसका जवाब देगी। ठीक है जैस्मिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए रुक करते हैं एक और खबर का, जो कि आप ये समझिए कि जो बिन मौसम बरसात होती है, ओले गिरते हैं, आंधी तूफान होता है, उसमें हम लोगों को तो बड़ा मज़ा आता है शहरों में, हमको ये लगता है कि वाह मौसम दोबारा एकदम बढ़िया हो गया, क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। लेकिन बेमौसम बारिश और ओले देश के राज्यों के किसानों पर आफत बन करके टूटे, गेहूं, सरसों, अरहर, आलू, इन सब से लेकर आम की फसल तक इस बारिश का उस पर असर पड़ा। किसानों की आस अब सरकार से है कि वो उसे पर्याप्त मुआवजा दे,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट। मोदी नगर के गदाना गांव के किसान महेंद्र सिंह अपनी गिरी हुई गेहूं की फसल से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। अगले 3 हफ्ते में वो गेहूं कटाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बेमौसम बरसात और ओला गिरने से काफी फसल बर्बाद हो गई। मोदी नगर के गदाना गांव में ये महेंद्र सिंह की खेत है, करीब 1 एकड़ की खेत है जहां पर उन्होंने गेहूं की बुआई की थी, लेकिन 3-4 दिन पहले जो यहां पर भारी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं जो उनकी गेहूं की फसल है वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी है। आमतौर पर अगर बारिश नहीं होती तो यहां से कितना गेहूं निकलता? ये तकरीबन 4 क्विंटल बीघे का निकलता, 5 बीघे खेत था, तो अब तो ये 1 क्विंटल भी मुश्किल से 75% नुकसान है। तो आप जो इससे चारा बनाते हैं, ये फसल है जो नीचे गिरी है और इसमें ये दाना नहीं है, अब आप दिखा सकते हैं इसमें कैसे नुकसान हुआ है आपका? ये दाना तो अभी कुछ कच्चा है ना, हाथ में दिखाइए। अब ये तो पिचक जाएगा, इसमें दाना पूरा पक्का नहीं हो पाएगा। महेंद्र सिंह अकेले नहीं है, मोदी नगर के इस गांव के कई खेतों में गेहूं की फसल खराब होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब यहां के प्रभावित किसान चाहते हैं कि सरकार उनको हुए नुकसान की भरपाई करे। मोदी नगर इलाके में जो गेहूं के किसान है विशेष तौर पर, उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? कौन कौन से इलाके हैं जहां पर क्या दूसरी फसलें भी आपको लगता है खराब हुई हैं? गेहूं के साथ साथ सरसों भी और सब्जियां भी खराब हुई हैं, जैसे लौकी है, तोरी है, आपका खीरा है, ककड़ी है, वो बारिश के पानी की वजह से गल गई है। 15 से 20 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान की लागत आई है। अब हमारी सरकार से यही मांग है और हम तमाम जिलों में दूसरी जगह भी अपने साथियों से कह रहे हैं कि जिलाधिकारियों के माध्यम से इस मुआवजे की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं। बेमौसम बारिश और ओला गिरने से नुकसान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक सीमित नहीं है, उत्तरी और केंद्रीय भारत के कई राज्यों में सैकड़ों किसानों की फसल बेमौसम बरसात और ओला गिरने से खराब हुई है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सभी प्रभावित किसानों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। फरवरी महीने में औसत से अधिक गर्मी की वजह से गेहूं और दूसरी फसलों पर उसके असर को लेकर किसान परेशान थे और अब मार्च महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने उनका संकट और बढ़ा दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और दूसरी फसलें जो खराब हुई हैं उससे राहत देने के लिए सरकार कितनी जल्दी किसानों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान करती है। मोदी नगर से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये दुख भरी बात जरूर थी, लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि कुछ सहारा मिले सरकार से। लेकिन अब एक खुशी की खबर, आपका चैनल एनडीटीवी और इसमें जो पत्रकारिता है, रचनात्मक पत्रकारिता, उसको एक बार फिर से सम्मान मिला और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। एनडीटीवी के 2 पत्रकारों को साल 2019 और साल 2020 के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका सम्मान मिला है। एनडीटीवी के पत्रकार सुशील महापात्रा को 2019 के लिए हिंदी पत्रकारिता ब्रॉडकास्ट श्रेणी में यह सम्मान मिला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें यह सम्मान दिया। सुशील महापात्रा को यह सम्मान हरियाणा की जहरीली नहर पर की गई एक सीरीज के लिए दिया गया। उन्हें दूसरी बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इससे पहले उन्हें 2017 में भी रामनाथ गोयनका सम्मान मिल चुका है, तो यह हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। पानी का रंग काला है तो पानी, क्योंकि यहां मां नहीं है या मौसी नहीं है, इसीलिए नेताओं की प्राथमिकता में इसका रंग भी नहीं है। हम जहां तक जा सके वहां तक नहर का पानी काला ही दिखा। पलवल के धतीर में हम पहुंचे हैं और ये आगरा कैनाल आप देख सकते हैं और इस कैनाल के पानी की जो रंग है आप इसको देखिए, और पिछले 40 साल से भी ज़्यादा इस कैनाल की पानी ऐसा है। और आइए अब बात करें दूसरे अवार्ड की।
एनडीटीवी के ही पत्रकार अजय सिंह को 2020 में खेल की श्रेणी में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका का सम्मान दिया गया है। अजय सिंह ने अपनी स्टोरी में यह बताया था कि किस तरह खिलाड़ियों का हुनर तराशने वाले कोच उत्तर प्रदेश में बेहाल हैं, कोई समोसे पकोड़े बना रहा है तो कोई दिहाड़ी पर बिजली का काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी देने वाले कई कोच संविदा पर काम कर रहे हैं तो उन्हें महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही। उनके सामने रोजी रोटी के संकट पर एक शानदार रिपोर्ट अजय सिंह ने फाइल की और उसको खेल की श्रेणी में 2020 में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका सम्मान से पुरस्कृत किया गया। स्ट्रीट लाइट के फ्यूज के कटआउट को ठीक कर रहे अनिरुद्ध पेशे से बिजली मिस्त्री नहीं है, वो खो खो के नेशनल खिलाड़ी रहे, 2008 से खो खो के प्रशिक्षक हैं। अपने हुनर और लगन से अनिरुद्ध ने कई राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से प्रशिक्षण बंद है और सरकार ने भी बीते 8 महीने से उनका मानदेय नहीं दिया है। ऐसे में अब वो ठेकेदार के यहाँ दिहाड़ी पर बिजली का काम करने को मजबूर हैं। इस गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि जो इस कोच से 10 महीने के लिए हमको संविदा पर कोच रखता है और हमसे उम्मीद करता है कि मैं हर साल इसको नेशनल लेवल का खिलाड़ी दूं और मैंने दिया है। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे दोनों साथी और बहुत ही सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट दोनों अपने कान में एकदम महीन है, अजय सिंह और सुशील महापात्रा को समस्त एनडीटीवी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर में सिलसिला जारी रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में हर अधिकारी और कर्मचारी को एक ही पेंशन मिलती थी, लेकिन माननीय यानी कि विधायक जी राज्य से दिल्ली चले जाएं तो सांसद का पेंशन, राज्यसभा चले जाएं तो 3 पेंशन, कई राज्यों में हर टर्म के हिसाब से पेंशन। मध्य प्रदेश हर मामले में अनूठा है, यहां विधायक से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक सबका दिल और मांग रहा है। तर्क यह है कई राज्य ऐसी सुविधा देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम पद पर रहते हुए सरकार को रिटायरमेंट का प्लान सौंपा है। सरकार से मांग की है कि पूर्व स्पीकर को भी कैबिनेट मंत्री जैसे वेतन भत्ते सुविधाएं मिले, फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री इसके हकदार हैं। वर्तमान में जो स्पीकर हैं प्रोटोकॉल में इनका बहुत नीचे नंबर है, 17वें बुलाया जाए, और इसलिए तर्क ये दिया गया कि जिस लोकायुक्त की नियुक्ति में हस्ताक्षर विधानसभा स्पीकर के होते हैं उसका प्रोटोकॉल में ऊपर नाम रहता है, अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी के नीचे रहता है, ये शायद उचित नहीं है। यही है ना, उसमें ये उचित नहीं है कि हम जिसको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रोटोकॉल में जब वो पद में पा जाएगा तो हमसे ऊंचे हो जाएगा, हम उसे नीचे हो जाएंगे, तो कम से कम उसी के समकक्ष वाले कॉलम में जाना चाहिए। पूर्व स्पीकरों का भी कोई जिक्र कहीं नहीं है, पूर्व सांसद का नहीं, पूर्व विधायक का नहीं, पूर्व स्पीकर का नहीं, तो उसमें आया कि प्रोटोकॉल में इस बात का संशोधन किया जाए कि कम से कम पूर्व विधायक होने पर जो आपका मिनिस्टर का जो दर्जा होता उसको वो मिला रहा है केवल इतना। राज्य के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी स्पीकर ने अपने रिटायरमेंट के प्लान को लेकर ऐसा प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर बीजेपी से पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीता शरण शर्मा, कांग्रेस से पूर्व स्पीकर डॉक्टर एनपी प्रजापति को भी ये सुविधाएं मिलेगी, दोनों फिलहाल विधायक हैं। प्रस्ताव के तहत 10,000 किलोमीटर की यात्रा का रेलवे कूपन, एक गाड़ी, 2 ड्राइवर और स्टाफ, 350 लीटर ईंधन, स्वास्थ्य सेवा, वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं मिलाकर लगभग 2,00,000 रुपए महीना मिलेगा। वैसे अध्यक्ष जी ने सिर्फ अपने नहीं पूर्व विधायकों का भी ख्याल रखा है। हाल में पूर्व विधायकों के सम्मेलन में 300 नेता पहुंचे, मांग आई पूर्व सांसदों विधायकों को प्रोटोकॉल सूची में शामिल किया जाए। दिल्ली के एमपी भवन में साल में 30 दिन तक रुकने की व्यवस्था हो, फिलहाल 13 दिन है। पेंशन राशि न्यूनतम 60,000 रुपए की जाए। विधायक विश्राम गृह में 25 कमरे आरक्षित हों। कुछ उनको वृद्धि कर दी जाए, ये आग्रह किया है।
और दूसरा हमारी तरफ से विधानसभा की तरफ से हमने इस बात का प्रयास किया कि उनको विधानसभा में विधायक विश्राम गृह में थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्था हो जाए, उनके लिए कमरे आरक्षित एकदम से अलग से हो जाए, क्योंकि वो कई बार आते हैं खाली न होने के कारण उनको मिल नहीं पाता, इसलिए हमने 25 कमरे उसमें से आरक्षित कर दिया केवल पूर्व विधायकों को, वो नहीं आवे तो भी वो खाली रहेंगे, उसको किसी को देना नहीं, और उनके कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया, ये हमने कर दिया। छत्तीसगढ़ कई राज्यों ने दे के रखा है कि दो तीन चीज़ें हैं, एक तो पूर्व सांसद हो जाता है तो उसका कहीं नाम उल्लेख नहीं रहता, प्रोटोकॉल बना जिसमें 34 कालम है तो उसमें से किसी कालम में पूर्व सदस्य का कहीं नामो निशान नहीं है, इसलिए हमने सदस्य सुविधा समिति से ये निर्णय करा करके, निर्णय जो हुआ है उनका कि पूर्व सांसदों को भी 33वें नंबर पर शामिल किया जाए और जो पूर्व विधायक है उनको भी 34वें नंबर पर शामिल किया जाए। वैसे मध्य प्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ रुपए खर्चती है, पूर्व विधायकों को हर माह 35,000 रुपए पेंशन मिलती है, हर दूसरे कार्यकाल में 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है, इसके बाद वो जितने कार्यकाल पूरे करते हैं उनकी पेंशन में हर बार 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। दिल्ली में लोकसभा पहुंचने पर डबल, राज्यसभा चले गए तो तीनों पेंशन के हकदार। सदन में एक सवाल के लिखे जवाब में सरकार ने साफ कर दिया कि उनका पुरानी पेंशन पर लौटने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी 30-32 साल की नौकरी के बाद एक सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 9,000 रुपए पेंशन मिल जाती थी, एनपीएस में वो 500 रुपए के आसपास है, जबकि एक माननीय अगर एक भी दिन इस सदन के अंदर बैठे तो उसे 35,000 रुपए मिलना तय है। कई विधायक तो ऐसे हैं जो दिल्ली जा पहुंचे हैं और उन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन पेंशन मिल रही है। बावजूद इसके इस सदन के सारे माननीय, पूर्व माननीय और अध्यक्ष भी चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन मिले ज्यादा और ज्यादा। ऐसे में पता नहीं सरकार अपने साथियों के एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पाई और कर्मचारियों को समझाने पर आमादा है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही, नमस्कार।